Murray Sparklets, 100% pure and natural. Pakistani banke jiyo, Pakistani piyo, Murray Sparklets. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Umeed hai sab dost ahbab khairiyat se honge. Jumme ka mubarak din hai. 10 tarikh hai December ki. सर्दी शिद्दत से है मगर आफरीन के गैस आ रही है। उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ भी गैस आ रही हो। अगर आप लोगों की तरफ गैस नहीं आ रही तो कम से कम आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक पाइपलाइन मेरे से लेके जाएं। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच माय सब्सक्राइबर्स, मगर आप लोग बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। एक सब्सक्राइबर ने तो बहुत ही सख्त अल्फाज में मुझे कहा कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा, आप प्लीज़ पीपीएल के ऊपर करें। फिर किसी ने कहा जी अब मैं इसके ऊपर करें। तो भाई मैं आपकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता, मैं आपको खुश रखूंगा। आप हमें खुश रखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हमारे चैनल की मकबूलियत हो। देखिए मैं अपनी चैनल में ये नहीं कभी कहूँगा ये दो शेयर उठा लो, ये कर लो, कल की मार्केट कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि ये चीज़ें सारे के सारे जो होता है मार्केट डायनामिक्स होते हैं। तो 20-25 जो इस तरह के YouTube वीडियो चैनल्स चल रहे हैं इन्हीं के ऊपर है कि हम ये बता दें आपका कैंडल ये हो गया फलां हो गया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट आपके सामने लाता। चलें आएँ आज हम चैनल के मौजू की तरफ। तो आप नाराज़ क्यों होते हैं भाई? एक ने मुझे कहा DSL पे करें। भाई DSL तो यार उधा के बंदे, दो स्टील मिल्स डिफॉल्टर सेगमेंट पे है, शेयर उसका 3.23 पे है, तो क्यों इसमें जाते हैं? और जो आखिरी चीज़ दो स्टील मिल में ने किया था 2016 में, इसने 368% राइट दिया। तो भाई फिर वही पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, आप नाराज़ होंगे। 400 से ऊपर अच्छी कंपनीज हैं, ज़रूरी आपने दो स्टील में घुसना है? तो मैं दो स्टील का बता दिया, कोई ज़रूरत नहीं इसके बारे में प्रोग्राम करने की। दूसरा आपकी एक और है एग्रीटेक। एग्रीटेक 3.51 पे है और इसने 2011 में 40% जो है ना डिस्काउंट पर राइट शेयर दिया। और एग्रीटेक जो है ये वो कंपनी है जिसमें सारे डायरेक्टर्स कंपनी को मिल्क कर रहे हैं। मिल्क के मतलब कि गाय को चो के ना, गाय को खांगड़ करेंगे, अगर आप पंजाबी समझते हों। कि इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा हुआ, डायरेक्टर साहबान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहों, अपनी मरात और अपने बच्चों के लिए सब मुस्तकबिल के अलावा कुछ नहीं देखते। तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करता हूँ दो स्टील मिल और एग्रीटेक से बाहर निकलें, ठीक है? तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मैंने इन दो कंपनीज़ का पहले बता दिया, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। आप अच्छी कंपनीज़ का बताएं, मैं कर दूँगा। आज की भी एक कंपनी जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक हमारे बड़े प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। बहरहाल आज मैं आपको जो मेरे सब्सक्राइबर की नाराज़गी मैं नहीं मोल लेता, उन्होंने बाइको पेट्रोलियम पे मुझे कहा था कि सर इसके बारे में आप कहिए। तो भाई ये जो बाइको पेट्रोलियम है ये बेसिकली एक रिफाइनरी है और ये 9 जनवरी 1995 को रिपील कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में ये मार्ज वजूद में आई। और इस कंपनी के दो काम हैं, एक तो रिफाइनिंग सेगमेंट और दूसरा जो है ऑयल मार्केटिंग एंड पेट्रोलियम बिजनेस है। जो इसका ऑयल मार्केटिंग एंड पेट्रोलियम बिजनेस है ये 2007 में शुरू हुआ था। ये तो हो गया इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन। अब मेरी बात सुनिए, जब ये रिफाइनरी लगी तो इन्होंने सेकेंड रेट या थर्ड रेट प्लांट इम्पोर्ट किया और इसमें से सख्त कमीशनें खाई, जिसकी वजह से इनका प्लांट तो शुरू में ऑपरेशनल नहीं हुआ। बाद में बड़ी मुश्किल से इसमें इक्विटी डाली, काम किया तो प्लांट ऑपरेशनल हुआ। और अभी भी इनका प्लांट जिसको कहते हैं कि फ्यूल एफिशिएंट प्लांट नहीं है,
फ्यूल एफिशिएंट से मतलब ये है कि जितना इसमें इनपुट जा रही है उतना आउटपुट कॉस्ट जो है ना इतनी ज़्यादा है कि प्लांट जो है प्रॉफिट में नहीं है। ये तो मैंने बता दी इसकी बैकग्राउंड। अब जब प्लांट प्रॉफिट में नहीं था, इन्होंने सोचा यार किसी तरह डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी चले जाएं, तो इन्होंने क्या कहते हैं 2007 में जो है ना पेट्रोलियम OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी फॉर्म की, वही बाइकों के नीचे और अब आपकी जगह भी इनके पंप्स लगे हुए हैं। तो जगह जगह अगर आप चेक कर लें इनके पंप्स में, तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, और एक चीज़ है कि आप प्लीज़ बाइको पेट्रोलियम पे जब भी पेट्रोल डलवाएं तो एक लीटर का ग्रेजुएशन कैलिब्रेटेड सिलेंडर पड़ा होता है उसे ज़रूर मेजर कराया करें कि वो पेट्रोल आपको पूरा डाल रहे हैं। अक्सर पेट्रोल पंप डंडी मारते हैं और पेट्रोल कम डालते हैं, तो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक लीटर का उसमें चेक कर लिया करें, ये आपका राइट है। तो बाइकों वालों से मुताद रहा करें, जब भी बाइकों पे डलवाएं तो वो एक लीटर का जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है उसमें डलवा के अपनी तसल्ली करें। बहरहाल कुछ इसके मार्केट डायनेमिक्स आज के दिन के मैं बता दूं कि ये जो है शेयर के बारे में तो बाद में बोलता हूं। ओपन 5.84 पे हुआ, हाई 5.89 लगा, लो 5.62, क्लोज 5.68, वॉल्यूम 7,190,000 हुआ। इसका EPS जो है 0.67, मतलब बहुत लो है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53 है। अभी पे आउट इसका निल आ रहा है। अगर इक्विटी प्रोफाइल में जाऊँ तो क्या बोलूँ इसकी इक्विटी प्रोफाइल पे, चले बोल देता हूँ, आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। इसका जो इक्विटी प्रोफाइल इन थाउजेंड है 30,273,745,000 शेयर्स, इसका 5,329,884,78 फ्री फ्लोट है, इसका 1,598,865,412 और फ्री फ्लोट 30% है। इसके मतलब कि इतने ज़्यादा इसका जो शेयर है मार्केट में सिर्फ 30% फ्री फ्लोट है, इसके मतलब इन्होंने ख़ुद शेयर ख़रीदा हुआ है, और जब ख़ुद शेयर ख़रीदा हुआ है इसके मतलब कि ये कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनका शेयर सट्टे का शेयर है, कभी 24 पे चला जाता है, कभी 26 पे चला जाता है, और फिर आके कभी 2-2.5 रुपये पे आ जाता है। और जब ये कंपनी ख़ुद जो है, ख़ुद ये जो कंपनी वाले हैं, ख़ुद ये डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस शेयर को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, ऊपर ले जाते हैं सटा करके, फिर जब आप जैसे छोटे इन्वेस्टर इसमें आते हैं तो फंस जाते हैं। तो प्लीज़ ये सटे का शेयर है, इसमें मत इन्वॉल्व हों, मत ख़रीदें, डे ट्रेडिंग मत करें, आप फंस जाएंगे। इनके रेशोज़ भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। 221 का रेशो बता दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 5.70 है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 2.53 है, EPS ग्रोथ 246.65 है, और पैक इनका 0.07 है। इसके मतलब कंपनी इतनी परफॉर्मेंस में नहीं है, कंपनी के पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। इनका पे आउट भी देख लीजिए तो नील आ रहा है। इन्होंने बहुत दिन हुए आप लोगों को कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो काहे को ऐसी कंपनी में आप जा रहे हैं। एड्रेस इनका है जनाब 9th फ्लोर हार्बर फ्रंट डॉलमन सिटी H3 ब्लॉक 4 मरीन ड्राइव क्लिफ्टन कराची, और फैमको एसोसिएट्स इनके रजिस्ट्रार हैं। अब मेरा तजिए सुन लें। नंबर 1, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, नॉट रिकमेंडेड फॉर डे ट्रेड। नंबर 3, ट्राई टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दिस कंपनी, इससे बेहतर कंपनियाँ हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। काइंडली शेयर हमारी वीडियो को कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों से हमारी वीडियो को मुतारफ़ कराएँ। इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीन। Big is better by Murray Brewery.